हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुसेंस क्लासेस। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हम रेस्पिरेशन टॉपिक को अच्छे से समझ चुके थे और मैंने बताया था कि भाई रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ रिलीज्ड, इसमें एनर्जी रिलीज़ करती है, लेकिन वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो कहाँ से होती है और कैसे होती है वो भी हमने देखा था। एक बार मैं तुम लोगों को फिर से बता दूँ कि भाई रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर एंटर करती है और सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी से ऑक्सीजन जो पहुँचती है वो फूड को ब्रेक करती है और इसी दौरान पर एनर्जी रिलीज होती है। यही प्रोसेस तुम्हारा रेस्पिरेशन का था। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हमारा जो मेन टॉपिक है, जो एनर्जी जो रिलीज होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान वो कहां जाती है। ठीक है, तो देखो क्या था, रेस्पिरेशन ओके, इन दिस प्रोसेस व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था इसमें, द एनर्जी इज रिलीज्ड, इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन सवाल ये कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये जा कहाँ रही है। ठीक है, तो मैं तुमको बता दूँ, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो अपनी सेल के द्वारा, या कहो बॉडी के द्वारा, क्योंकि बॉडी सेल से बनी हुई है, तो बॉडी के द्वारा यूज़ की जा रही है। ठीक है, बॉडी यूज दिस एनर्जी फॉर डिफरेंट फंक्शंस, बॉडी यूज़ कर रही है इस एनर्जी को फॉर डिफरेंट फंक्शंस। लेकिन क्वेश्चन एक और बनता है कि जो भी एनर्जी रिलीज हुई वो सारी यूज़ कर ली गई, मतलब रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, और ये एनर्जी कहाँ से रिलीज हो रही है, ये सेल से रिलीज हो रही है। ठीक है, और सेल से कब रिलीज हो रही है, जब सेल के अंदर O2 आ रहा है, सेल के अंदर क्या जा रहा है, O2, और O2 जाके माइटोकॉन्ड्रिया फूड ब्रेक कर रहा है, वहीं से क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ये एनर्जी कुछ हमारी बॉडी के द्वारा यूज़ कर ली जा रही है, तो सारी जो एनर्जी निकली वो पूरी की पूरी बॉडी के द्वारा यूज़ नहीं की गई उस टाइम पर। इमीडिएटली बॉडी इसको यूज़ नहीं करती है, जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान वो बॉडी इमीडिएटली सारी एनर्जी को यूज़ नहीं करती है। तो फिर सवाल ये बनता है, तो बाकी एनर्जी कहाँ जाती है, बाकी एनर्जी, ठीक है, कुछ तो बॉडी के द्वारा यूज कर ली, बाकी एनर्जी जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। एटीपी एक मॉलिक्यूल होता है और इस फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर कर ली जाती है बॉडी में। ठीक है, और जो एटीपी जो होता है इसके अंदर हाई एनर्जी कंटेंट होता है, इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बॉडी जो है लिमिटेड एनर्जी ही उस टाइम पर यूज़ करती है, बाकी जो एनर्जी बची हुई होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वो हमारे एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। सो इट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। अब ये सवाल बनता है कि भाई जो एटीपी होता है, ठीक है, ये है क्या चीज़, ये एटीपी मॉलिक्यूल है और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है और इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इस फॉर्म में एनर्जी जो है स्टोर हो रही है। तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है रेस्पिरेशन के दौरान, तो ये बताया जाता है 38 एटीपी एनर्जी स्टोर कर ली जाती है बॉडी के द्वारा। और फिर इस एनर्जी का क्या होता है, इस एनर्जी का बाद में यूज़ किया जाता है। अब सवाल ये बनता है, क्या ये जो एटीपी जो बना है हमारा, एटीपी मॉलिक्यूल बना है और एटीपी फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर हुई है, ये सिंपली रेस्पिरेशन से बन गया, सिर्फ रेस्पिरेशन हुआ, यानी ऑक्सीजन एंटर हुई सेल के अंदर और वहाँ से डायरेक्ट जो एनर्जी निकली, तो उसमें जो एनर्जी निकली वो कुछ तो बॉडी के द्वारा यूज कर ली गई, लेकिन कुछ जो एटीपी मॉलिक्यूल बना तो वो डायरेक्टली अपने आप बन गया, या इसके अंदर कुछ और भी प्रोसेस था। तो ये डायरेक्टली एटीपी मॉलिक्यूल नहीं बना, ये सीधे एनर्जी से एटीपी नहीं बना, इसके साथ कुछ रिएक्शन हुई। ठीक है, यानी कि इसको बनने में और भी कुछ लोगों का हाथ है, कुछ चीज़ों का हाथ है। अब वो देखते हैं कि किसकी मदद से ये एटीपी बन रहा है। एनर्जी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रेस्पिरेशन के दौरान, जो एनर्जी रिलीज हुई वो तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रहा है एटीपी के फॉर्म में, क्योंकि उसी फॉर्म में स्टोर हो रही है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें जो हैं इसमें रिएक्ट करती हैं और उसके बाद एटीपी बनता है, डायरेक्ट एटीपी नहीं बनता है। तो वो हम देख लेते हैं, ये बनता कैसे है एटीपी। ठीक है, अब सवाल एक और भी आ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में कि एटीपी है प्रेजेंट कहाँ होता है, तो इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये फॉर्मेशन एटीपी की किस तरीके से होती है। देखो, एटीपी की फॉर्मेशन में ठीक है, रेस्पिरेशन से जो एनर्जी निकलती है और कैसे निकलती है रेस्पिरेशन से एनर्जी, कि भाई जब O2 सेल के अंदर एंटर करता है और फूड ब्रेक होता है इसके अंदर क्या होता है, फूड ब्रेक होता है, और फूड ब्रेक होने के बाद क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, और जो एनर्जी ये निकलती है, ठीक है, वो रिएक्ट करती है एक मॉलिक्यूल के साथ जो कि सेल के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, जिसको कहते हैं ADP। अब ADP क्या है भाई, ADP भी एक ATP की तरह मॉलिक्यूल है। इसका फॉर्मूला, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एडीनोसाइन
ये डाइफॉस्फेट है, डाइफॉस्फेट, ठीक है। डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, और एटीपी क्या था, एटीपी था ट्राइफॉस्फेट, उसका मतलब तीन, यानी कि इसके अंदर दो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ये जो फॉस्फेट लगा है इसके अंदर दो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, और एटीपी के अंदर क्या था, ट्राइफॉस्फेट, यानी कि तीन फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर दो एडीपी है, दो फॉस्फेट ग्रुप है इसमें, और एटीपी में क्या था, एटीपी में तीन फॉस्फेट ग्रुप थे। अब फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है भाई, फॉस्फेट ग्रुप जो बनता है वो समझ लो, वो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप बनता है। यानी कि अब तुमसे पूछा जाए कि एडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एडीनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। इसका ये इसमें फॉस्फेट क्या है, फॉस्फेट एक ग्रुप होता है जिसकी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। अब ये होता कहाँ पर है, एडीपी कहाँ होता है, तो भाई एडीपी इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड सेल, ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इनसाइड सेल, ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसमें कितनी एनर्जी होती है, एटीपी तो हाई एनर्जी कंटेंट था, हमने देखा था उसमें एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन एडीपी जो है, एडीपी इज लो एनर्जी कंटेंट, इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, इट इज़ अ लो एनर्जी, इसके अंदर इट इज हैविंग अ लो एनर्जी कंटेंट, इसके अंदर जो एनर्जी रहती है वो कम रहती है। इसके अलावा एक फॉस्फेट ग्रुप से ये रिएक्ट करता है, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, पी फॉस्फेट का हो गया और आई जो हो गया वो इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है, आई को इनऑर्गेनिक और पी फॉस्फेट, तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, ये रिएक्ट करता है, ठीक है। अब देखो एनर्जी जो रिलीज हुई रेस्पिरेशन के दौरान जो वो कुछ तो बॉडी के द्वारा यूज कर ली गई, और बाकी बची एनर्जी एडीपी के साथ रिएक्ट करके प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करने के बाद ये बना लेती है एटीपी, और जो मैंने बताया था 38 एटीपी बनता है, और ये जो होता है इसमें हाई एनर्जी रहती है, हाई एनर्जी रहती है। अब ये समझो कि ये जो एटीपी बना, ठीक है, ये हाई एनर्जी जो बनी है, एक तरीके से एनर्जी क्या हो गई, ये स्टोर हो गई, ये स्टोर्ड एनर्जी है, एक तरीके से कह लो इन्वर्टर की तरह है। इन्वर्टर में क्या होता है, इन्वर्टर में जब लाइट रहती है, ठीक है, तो इन्वर्टर क्या कर लेता है, अपनी बैटरी में एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और जब लाइट चली जाती है उस टाइम पर एमरजेंसी में घर को लाइट देता है। ऐसे ही जो अपनी एटीपी एनर्जी है वो एक तरीके से स्टोर्ड एनर्जी है, यानी कि जब एनर्जी बॉडी को चाहिए होती है तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी एटीपी के फॉर्म में है ये बॉडी यूज़ कर लेती है फॉर डिफरेंट फंक्शंस, फॉर डिफरेंट फंक्शंस। बॉडी के अंदर कई तरीके के फंक्शंस होते रहते हैं, तो उन फंक्शंस के लिए क्या करता है, क्या करती है बॉडी, ये एटीपी वाली एनर्जी को यूज़ कर लिया जाता है क्योंकि ये स्टोर्ड फॉर्म में रहती है। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये समझ आ गया होगा कि भाई जो एनर्जी हमारी बॉडी से रिलीज़ होती है रेस्पिरेशन के दौरान, क्या वो पूरी यूज़ कर ली जाती है या उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो तुम लोगों को पता चल गया वो स्टोर कर लिया जाता है, तो स्टोर कर लिया जाता है तो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, तो तुम्हें पता है कि वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद देख लिया हमने भाई एटीपी क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसका मेनली काम क्या है, मेनली काम ये है कि भाई स्टोर्ड एनर्जी प्रोवाइड करता है ये बॉडी को। तो फिर हमने देखा कि भाई एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी तो निकलती है लेकिन उसके अलावा भी तुम्हारा ये एडीपी और ये तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों से रिएक्ट करके ही एटीपी बनता है। तो इतनी बातें तुम लोगों को क्लियर हो गई होंगी और समझ आ गई होंगी। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो समझ आया है और अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट अ लेटेस्ट अपडेट। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।